वीडियो दिखाना चाहूंगी जिस तरह आपने कहा कि कश्मीरी बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हैं और वहां पर बहुत जुल्म और सितम है, अभी भी लॉकडाउन है, उस हवाले से ये कश्मीरी है, एक कश्मीरी है और ये देखिएगा। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया 31वीं स्लाइड, अवर नेशन इज ऑन कस्प ऑफ अ टेक ऑफ। यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। मेरा नाम है जमाल बड़गामी। दुनिया खामोशी की चादर तले सोती रही, लेकिन हम हैं हर कश्मीरी के साथ, हर पाकिस्तानी का दिल धड़कता है, हम नहीं भूलेंगे। मेरा दिल भर गया आज इस घंटाघर, हिस्टोरिकल घंटाघर, जहां एक मिनट के लिए बैठने को इंसान डरता था, आज बिना खौफ के बगैर ही यहाँ आज चाय पीते हैं, बैठते हैं लोग। लेकिन आज एक आम कश्मीरी खुद आके जिस तरीके से बोला जाता था कि प्राइम मिनिस्टर को काफी हेट मिलता है कश्मीर में, लेकिन आज आपने खुद देखा कि ऐतिहासिक लाल चौक पर उनकी मूर्ति को कैसे फेरन पहनाया गया, उनको कैसे वो चूम रहा था। मैडम तारीफें जो तारीफ के काबिल, सच बोलना चाहिए। यकीन करें कि मैडम मैं उधर रहा था एक स्कूल में, एक आम विलेज के स्कूल में मैं वहां गया था। अच्छा। मेरी भाभी वो टीचर थी वहां पे, और उस लड़की से मैं इंग्लिश में बात नहीं कर सका था। अरे वाह। जो भाई साहब मोदी जी को चुम्मा दे रहे थे, उनको भी मेरी तरफ से भी चुम्मा। मैं आपको दिखा रही हूँ, कश्मीरी खुद कह रहे हैं कारगर्स कर दो, खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो, इसका मतलब क्या। जिस तरीके से आज लाल चौक में फेरन डे मनाया गया, सर सबसे पहले तो एक आदमी था, उन्होंने मोदी जी की मूर्ति को फेरन लगाया था। आंसुओं के दरिया बहते जा रहे हैं, वहां दूसरों के मीनार खड़े होते जा रहे हैं। मसला कश्मीर को कहते रहे हैं, ये हमारा शाहरग है कश्मीर। अब पॉइंट ये आ गया है कि इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात, अच्छे रिलेशन जो है वो हमारी शाहरग बन गए हैं। बेसिकली वो सिर्फ इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, वो पूरे ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए अब मोदी जी का किरदार क्या होगा, उन्होंने तो पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट कर। आजाद कश्मीर के लोग इस वक्त आटे के लिए रो रहे हैं, रोटी के लिए रो रहे हैं। भारत है हमारा रहबर, इस देश का रहबर सबसे प्यारा मोदी जी, कश्मीर में चलता है आपका नारा मोदी जी। एक वीडियो दिखाना चाहूंगी जिस तरह आपने कहा कि कश्मीरी बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हैं और वहां पर बहुत जुल्म और सितम है, अभी भी लॉकडाउन है, उस हवाले से ये कश्मीरी है, एक कश्मीरी है और ये देखिएगा। ये कहता है कि प्राइड मोदी जी, मेरी लाइफ मोदी जी, मोदी जी का इसने खुद स्टैचू क्रिएट किया है, खुद सब कुछ किया और ये मतलब वो दे रहा है। और ये एक वीडियो नहीं है सर, सोशल मीडिया बड़ा बड़ा, हम दूसरे जानब देखते हैं कि वो परेशान है, मोदी से तंग है, और एक तरफ ये सारी वीडियोस, ये क्या। आपको मैं बताता चलूं, ये बात लंबी हो जाए, मेरी वालदा का तल्लुक इंडिया से, यूपी से है, मैं खुद 2007 में वहाँ गया हूँ, ये सिर्फ चंद एक ऐसे अनासिर हैं जो दूसरे को दिखाना चाहते हैं कि हमें ये नहीं है। या आपने जो मुझे वीडियो दिखाई है, मैं आपके अंडरस्टैंड करता हूँ, ये वो है जिसको उन्होंने वो पुश किया हुआ है, जो दिखाते हैं कि भी ये हो रहा है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे उनके कंट्रीज में मैडम ये कुछ भी नहीं है। मैं वहां पे 1.5 माह रह के आया हूँ और मेरा तल्लुक है, मेरे ननिहाल है मेरा सारा, अभी भी मेरा उनसे डेली उनसे बात होती है, ऐसी चीजें नहीं है ये, ठीक है। आप मोदी को कहते हैं कि वो ऐसे हैं, मैडम उसने अपने जो उनकी बच्ची है ना, उनके लिए उसने वो किया है ना जो आप सोच भी नहीं सकती है। मैडम उसने अपनी बच्चियों के जो स्कूल के जो करती है ना, वो मैट्रिक करती हैं, इंटर करती हैं, बीए करती हैं और एमए करती हैं, वो अपनी डिग्रियां जमा करवा देती हैं और गवर्नमेंट को, जिस टाइम उनकी शादी आती है, जो उनकी स्केड्यूल बनता है मैडम, वो खुद पे करके जाते हैं उनके घर पे, आपके यहाँ पे करते हैं। मतलब अच्छा किया ना, मैं कह रहा हूँ मैडम, उनके वजीर का बयान था कि 2025 तक कोई कच्चा घर हमारे उसमें नहीं होगा, 60% ईंधन उन्होंने ऑफ कर दिया, 40% पे उनको ले आए हैं कि अभी हमें तेल की हमें कोई जरूरत नहीं है। जितनी उनके एक सरमायाकार के अकाउंट में पैसे पड़े ना, उतना हमारे जीडीपी नहीं है। सही बात है, आप जिसके यूपी की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश का जितना जीडीपी पूरे मुकाबला करने, आपने उनका मुकाबला करने, पढ़े लिखे मुकाबले में करें, आप उनका आईटी में आके मुकाबले, कहा उनकी आईटी और हमारी आईटी, हमारा हमें अगर सिर्फ एक बच रहे हैं तो सिर्फ कलमा तौहीद की वजह से हम बच रहे हैं। ये मेरे अल्लाह का शुक्र है कि हम मुसलमान घराने में आजाद मुल्क में, इसके अलावा हमारे कोई ऐसे अमाल नहीं है कि जो मैडम हम कर सके। सर आपके फैमिली भी वहाँ पे, आपकी बात भी होती है, मुझे बताइएगा वहाँ क्या सिनेरियोस है। मैंने सुना है वहाँ आधार कार्ड है, वहाँ पर मतलब महीने का राशन बड़े अच्छे से मिल जाता है। एब्सोल्युटली राइट। तो सर खुश तो हुए ना, फिर खुश हुए, लेकिन सिर्फ भला कि वो कंट्री जो 1.5 अरब से एक्सीड कर रहा है,
सिर्फ वो कर उनके जखायर नहीं है, इतने वसाइल नहीं है, नो डाउट उधर गुर्बत नहीं है, बहुत गुर्बत मैडम, बहुत ज्यादा गुर्बत है, लेकिन मैडम वो खुशहाल है, वो पे करते हैं, अपने किसान को रिलीफ देते हैं, अपने सनतकार को रिलीफ देते हैं, अपने हर बंदे को जिसका जो भी शोभा है ना उसको रिलीफ देते हैं। हमारे जहाँ से सरमायाकार सारे तजर्बेकार जहाँ इंडस्ट्रीज आपके ढाका में जा रहे हैं, दूसरे कंट्रीज में जा रहे हैं, नहीं जा रहे तो बता दे मुझे। वहाँ पर ये है कि वहाँ 10 रुपए देते तो आपके ढाईगा नहीं जाते, आपको फीडबैक मिलता है। मैडम हमें हमारे इंटरनेशनल लेवल पे इमेज जो है ना कि हम टैक्स पे, जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि कश्मीरी यूथ जो है वो पाकिस्तान के साथ है, क्या ये रियलिटी में क्यों होगा? एक मुझे रीजन बताइए कि कश्मीरी यूथ पाकिस्तान के साथ होगा, क्यों होगा? क्या पाकिस्तान हमें इलेक्ट्रिसिटी देता है? क्या पाकिस्तान हमें जॉब्स देता है? क्या पाकिस्तान हमें सिटीजनशिप देता है या पासपोर्ट है हमारे पास पाकिस्तान का? अगर हम पाकिस्तान के हो गए तो हमें दुनिया में एक ही चीज मिलेगी और वो है बेइज्जती, जो हम नहीं चाहते। जाहिर बात है आज इंडियन पासपोर्ट होल्डर को इतनी सारी कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस है। आपको पता है अभी भी 5-6 देशों ने अभी इसी महीने हमें वीजा फ्री एक्सेस दे दिया, मलेशिया, ईरान, वियतनाम, श्रीलंका, ऑलरेडी तो ये लिस्ट बढ़ती जा रही है। आप देखिए यूक्रेन में क्या हुआ, एक पाकिस्तानी बस में जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जा रहे थे उनको इंडिया का फ्लैग लगा के निकलना पड़ा, तब वो वहां से निकल सके जब यूक्रेन में फंसे थे वॉर के समय। इसका क्या मतलब है? क्या हम कश्मीरी ये सब देख नहीं सकते? क्या हमें पता नहीं है कि ये लोग इनफैक्ट इंडियन होने का दावा करते हैं फॉरेन कंट्रीज में जाके ताकि इनको पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिल सके? तो हम क्यों खुद को गिराएंगे, हम क्यों खुद की बेइज्जती कराएंगे पाकिस्तान के साथ मिलके? अपने ऑडियंस को पहले ये बताना चाहूंगी कि चूंकि कश्मीर जो है भारत का क्राउन जेवल है और आज जो है कश्मीर की मीरास, कश्मीर का कल्चर और कश्मीर का ट्रेडिशनल डे यानी कि इंटरनेशनल फेरन डे 21 दिसंबर को मनाया जाता है। तो जिस तरीके से आज लाल चौक में फेरन डे मनाया गया, सर सबसे पहले तो एक आदमी था उन्होंने मोदी जी की मूर्ति को फेरन लगाया था, क्या कहना चाहोगे उस पे सर? क्या 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 उस टाइम पे क्या थॉट्स आ रहे थे आपके दिमाग में? मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि ये जो एक प्यार, देखो पहली बात तो आप सभी को इंटरनेशनल फेरन डे की बहुत बहुत बधाइयां और मैंने क्या कहें, ये एक हमारी कश्मीर की सभ्यता हजारों साल की है और उसको हम अप्रिशिएट करते हैं, तो दैट इज़ व्हाट इट इज़। अब ये देखिए कि कश्मीर जो है ये सिर्फ कपड़े और इनका ही नहीं एक जीता जागता उदाहरण है। कश्मीर को समझना बहुत कम लोगों, कश्मीर साइंस, सिचुएशन, टेक्नोलॉजी, फिलोसफी, लैंग्वेज, कल्चर, कपड़े, फूड, सो कश्मीर इज ट्रूली द क्राउन जूल ऑफ इंडिया और कश्मीरीज आर द क्राउन मोस्ट इम्पॉर्टेंट या कह लीजिए मोस्ट लवली पीपल दैट इंडिया हैज। तो आप सभी को फिरन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप फिरन नहीं पहन के आई हैं वरना मैं आपको भी शुभकामनाएं देता हूं, और मैं यहाँ पहन नहीं सकता वरना मैं अंदर ही अंदर जल जाऊंगा। सर बिल्कुल बात तो सही है। वेल फेरन डे एक तरह से कश्मीरियों का वहां पे बहुत अच्छी मैसेज गई, चूंकि कश्मीरियों को ही हमेशा से ही इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे या फिर हम देखा जाए यूनाइटेड नेशंस में आमतौर पे कश्मीरी ही था जिसको हमेशा से बोला जाता था कि इंडिया के नीचे जुल्म तले दब रहा है। और दूसरी तरफ से अगर हम बात करें तो आज एक अच्छी मैसेज गई। सर आपको क्या लगता है, सबसे पहले हमारे दुश्मन मुल्क की बात करें, हमारे पड़ोसी मुल्क की बात करें, आए दिन वहां पे सिर्फ और सिर्फ भारत और इंडिया के टॉपिक्स छपे रहते हैं, उनकी कमाई सिर्फ और सिर्फ हमारे टॉपिक्स पे काम करके ही होती है, लेकिन आज जो इस ये मैसेज गई है, बहुत सारी मैसेज इस ईयर में हमें दिखाई देखने को मिली, इंडिपेंडेंस डे किस हिसाब से सेलिब्रेट किया गया, किस हिसाब से स्मार्ट सिटी बनी, किस हिसाब से इमारत की डेवलपमेंट हुई, बहुत सारी ऐसी चीजें कश्मीर में हुई और खास तौर पे G20 की अगर हम बात करें, लेकिन आज एक आम कश्मीरी खुद आके जिस तरीके से बोला जाता था कि प्राइम मिनिस्टर को काफी हेट मिलता है कश्मीर में, लेकिन आज आपने खुद देखा कि ऐतिहासिक लाल चौक पर उनकी मूर्ति को कैसे फेरन पहनाया गया, उनको कैसे वो चूम रहा था, ये दर्शाता था कि कश्मीरियों को कितना ज्यादा प्यार है इससे। सर क्या कहना चाहेंगे, वहां पे इस टाइम पे कैसा माहौल रहा होगा? मैंने तो देखा नहीं कि कोई कश्मीर में
इस तरीके का वो हो, अरे पाकिस्तान में उन्होंने इंटरनेशनल फिरन डे को बताया हो या फिरन को सेलिब्रेट कर रहे हो, मुझे तो कोई ऐसी न्यूज नहीं मिली। अगर उनके लिए होता इम्पोर्टेंट तो वो सेलिब्रेट करते। तो बिल्कुल सही कहा तुमने कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम है, वो इतने एंटी इंडिया हैं कि वो इंडिया के हर कल्चर से वो करते हैं। इंडिया का कोई एक कल्चर तो है नहीं फाइका, ये तो तुम भी जानती हो, इंडिया के तो कई कल्चर है ना। अगर इंडिया का कल्चर फिरन है तो गोवा का जो स्पेशल यहाँ की महिलाएं साड़ी पहनती हैं वो भी है। अगर इंडिया का कल्चर समझ लो कुर्ता पैजामा है तो इंडिया का कल्चर साउथ इंडिया में पहने जाने वाली वेस्टी भी है। तो इंडिया विविधताओं का देश है और हमें इतना गर्व है कि दुनिया की कोई भी समझ आज तक इतनी विविधताओं को एक साथ लेकर नहीं चल सकी। और भारत जो है इतनी विविधताओं को कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत विविधताओं से भरा पड़ा है। तुम कश्मीर से कहवा पीना शुरू करो और कोची में जाके कॉफी पियो, टेस्ट ही बदलते रहेंगे, और भाषाएं बदलती रहेंगी, कपड़े बदलते रहेंगे, का लोग बदलते रहेंगे, पर सब भारतीय हैं। तो जो हमारी एकता में अनेकता है, ये हमारी खूबसूरती है, हमारे जो वेद पुराण है, हमारी जो पुरानी जिसे कह लो संस्कृति है, कि उन्होंने हर तरीके की सभ्यता को, भाषा को फलने का, फूलने का, डेवलप होने का मौका दिया। एंड कश्मीर भी उन्हीं में से एक है। कश्मीर हो गया, कश्मीर की सूफिज्म हो गया, कश्मीर के शायरियां हो गई, गायने हो गए, और बूमरो बूमरो गाना है, मैंने तो सुना था, मैं तो ज्यादा जानता नहीं हूँ, वन ऑफ द ब्यूटीफुल सॉन्ग। कश्मीरी एक्टर हो गए अनुपम खेर साहब, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर दैट कश्मीर हैज गिवन टू इंडिया।